अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एस एम यूसुफ़ की बुक मैथमेटिकल मेथड है, उसकी एक्सरसाइज 2.8.2 है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, 15 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इनमें जो टेस्ट यूज़ होने हैं, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वगैरह, वो सब मैंने ना इससे पीछे से, जो पीछे वाला लेक्चर है उससे मैंने बता दिया था किस तरह से अप्लाई होंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी वो लोग देख लीजिएगा। वो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया और कैसे नहीं सॉल्व किया। ठीक हो गया। अब हमने इसे चेक पहले ए एन लिख लेते हैं। ए एन हमारे पास है ई की पावर 2n प्लस ई की पावर माइनस 2n ओवर ई की पावर n प्लस ई की पावर माइनस n। ठीक हो गया। अब देखना इस पे टेस्ट कौन सा लगेगा। अब देखें, फर्स्ट टेस्ट में फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल भी नहीं है इसमें, कोफिशेंट ऑफ n डिफरेंट आए, लेकिन यहाँ n के यहाँ पे ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। वेरिएबल बेस में, वेरिएबल पावर में और बेस जो है वो कॉन्स्टेंट में हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। रेशियो टेस्ट भी लगेगा, इस पर रूट टेस्ट भी लग सकता क्योंकि होल पावर नहीं है। तो हम इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, और उसके लिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें देखें इधर ए एन के साथ साथ बी एन की भी ज़रूरत होती है। बी एन फाइंड करेंगे, बी एन लिखेंगे हम ई, इनकी बेस ई थी ना इसलिए हमने ई लिख लिया। अब इसमें डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2n, 2n लिख ली। माइनस डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर क्या है, n, वो n लिख ली। इनको माइनस करेंगे, e की पावर हमारे पास क्या आ गया, n, ये हमारे पास आ गया bn, bn बी एन ई की पावर n आ गया। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक हो गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n ओवर bn इक्वल लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ए एन ओवर बी एन करके। अगर जीरो आए तो कन्वर्ज, इन्फिनिटी आए तो डाइवर्ज, और जीरो और इन्फिनिटी दोनों ही ना आए तो बहुत कन्वर्ज और डाइवर्ज, और फिर वो डिपेंड करेगा कि बी एन कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज, उस पर डिपेंड करेगा। ए एन हमारे पास क्या है, ये वैल्यू सारी, ये हम लिख लेंगे ई की पावर 2n प्लस ई की पावर माइनस 2n ओवर ई की पावर n प्लस ई की पावर माइनस n। उसके बाद e की पावर n इसके ओवर में आएगी, तो उसे जब मल्टीप्लाई करके उलट लिखेंगे तो 1 ओवर e की पावर n आ जाएगी। मैंने अभी से लिख दिया, डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उलट हो जाएगा ना। इसमें से e की पावर 2n कॉमन आ रहा है, e की पावर 2n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1 प्लस e की पावर माइनस 2n ओवर e की पावर 2n। इसमें से e की पावर n कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस n ओवर e की पावर n। ठीक हो गए, मल्टीप्लाई 1 ओवर ई की पावर n, ये दोनों मिलके इससे कैंसिल हो गए। इसे अगर हम नीचे ले जाएं, की पावर माइनस 2n इधर आके प्लस 4n बन जाएगा, ये आके की पावर 2n बन जाएगा। मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 2 और 2 4n, 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर n, और ये प्लस आ जाएगा, हो जाएगा नीचे आके, तो 1 और 1 2n। ठीक हो गया। अब लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 इज 1 और 1 प्लस 0 1, 1 ओवर 1, तो इक्वल हमारे पास आ गया 1। हमारे पास 1 की इक्वल आ गया, ये मतलब ये 0 की इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल 0। तो ये हो जाएगा आइदर, मतलब 0 भी नहीं आया और इन्फिनिटी भी नहीं आया, तो हम लिखेंगे आइदर बोथ द सीरीज कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। ठीक हो गया। बट बी एन इज डाइवर्ज डाइवर्जेंट बाय ज्योमेट्रिक सीरीज, वो किस तरह, मैं अभी आपको बताती हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज विद, अब इधर देखिए, बी एन क्या है, ई की पावर एन आया है, मतलब इसमें आर हमारे पास क्या है, ई, और ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। जब ग्रेटर देन 1 आए तो जो हमारे पास होता है वो डाइवर्ज कर जाता है। इधर देखिए, आर जो है ग्रेटर देन 1 या 1 आ जाए तो हम कहते हैं वो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक हो गया, ये डाइवर्ज कर रहा है बाय ज्योमेट्रिक सीरीज, ये लिख दिया। सो बस इस तरह लिख लें, ए एन बी क्या कर रहा है, डाइवर्ज। ठीक हो गया। अगर बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन बी हमारा डाइवर्ज कर रहा है। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें देखिए फैक्टोरियल भी नहीं है, एन के कोफिशिएंट वो डिफरेंट भी नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा है ये एन ए की सिर्फ, और इसमें जो है रूट टेस्ट भी नहीं लग सकता क्योंकि होल पावर एन, होल पावर वेरिएबल में नहीं है,
होल पावर में वेरिएबल नहीं है, और फिर उसके बाद हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट रजत है वो हम करेंगे। तो उसके लिए हम पहले ई एन लिख लेते हैं। ई एन इक्वल है एल एन एन ओवर एन, बी एन फाइंड करना है। वो कैसे लिखेंगे, एन की पावर लिखेंगे या ऊपर एन है ही नहीं, वो एल एन एन है, ज़ीरो माइनस यहाँ एन की पावर कितनी है, वन। तो ये क्या आ गया, वन ओवर एन बी एन आ गया, ठीक हो गया। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। ए एन हमारे पास है एल एन एन ओवर एन, बी एन ओवर बी एन लिखना है, वो वन ओवर एन है, इसको उलट करेंगे, डिवाइड था ना, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो एन बन जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो गया। एल एन एन पे जब करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी आ गया तो ये क्या होगा, पहले बी एन देखना है, इन्फिनिटी आ गया तो डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको मतलब बी एन मस्ट भी डाइवर्ज होना चाहिए। समेशन बी एन इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज, समेशन ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये देखें वन ओवर एन, इसकी पावर वन है, पावर वन आ जाए तो ये देखें इस तरफ इक्वल वन आ गया तो डाइवर्ज कर रहा है, तो वही हमने लिखा बी एन डाइवर्ज कर रहा पी सीरीज के अकॉर्डिंग, और ए एन जो है वो भी डाइवर्ज कर रहा, वो तो यहीं से देख के पता चल रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा तो ये भी डाइवर्ज होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ए एन हमारे पास क्या बनेगा, वन प्लस वन ओवर एन की पावर होल पावर एन। अब ये देखें ज़रा, इफ़ वेरिएबल इज़ इन होल पावर, वेरिएबल होल पावर में आ गया तो इसका मतलब रूट टेस्ट हम लगा सकते हैं। अब रूट टेस्ट में क्या होता है, ए एन की होल पावर वन ओवर एन लेते हैं, जब वो वन ओवर एन लेंगे तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वन प्लस वन ओवर एन बचेगा, ठीक हो गया। वन प्लस वन ओवर एन जब बचेगा उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, और हमारे पास वन आ जाएगा, आंसर वन आ जाएगा, लेकिन वन पर क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक हो गया। इसका मतलब हम रूट टेस्ट नहीं लगा सकते, तो फिर हम इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा एन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन, इस तरह से आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इसका बी एन फाइंड करना है, बी एन कैसे आएगा, एन की होल पावर कितनी है यहाँ पर, एन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर एन एन है, तो क्या आ जाएगी, एन की पावर ज़ीरो, या इसे वन भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इक्वल लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन हमारे पास क्या है, वन प्लस वन ओवर एन की होल पावर एन, डिवाइड बी एन, वो वन है, ठीक हो गया। अब इस पर वो हम करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले आप ये देख लें, हमारे पास सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था चैप्टर वन में 1.3 में, जब इस फॉर्म में दे दिया जाए एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ एन है तो यहाँ वन ओवर एन हो और इसी का उलट यहाँ पे मौजूद हो, मतलब वन के वन प्लस के आगे जो वैल्यू उसका उलट इधर मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे, उसे लिखते हैं ई के इक्वल, ठीक हो गया। यहाँ हमने ई के इक्वल लिख दिया, ई के इक्वल आ गया, लेकिन ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ई ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर बोथ दीज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बट समेशन बी एन इज डाइवर्जेंट। ये कैसे डाइवर्जेंट है मैं बताती हूँ, ये बी एन डाइवर्जेंट है तो समेशन ए एन भी क्या होगी, इज आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें एन की पावर क्या है, ज़ीरो, मतलब लेस देन वन, पावर अगर हमारी लेस देन वन हो, वन या लेस देन वन हो तो हम डाइवर्जेंट कहते हैं, वन से लेस देन थी तो बी एन डाइवर्जेंट हो गया, तो जिसकी वजह से ए एन भी डाइवर्जेंट है, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ए एन हमारे पास है साइन पाई ओवर एन,
ठीक हो गया। जब साइन आ जाए तो हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही लगाना है, ये देखिए नीचे बताया था मैंने, अगर साइन हो तो यही लगेगा, मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही लगेगा। अब इसने कहा हमने बी एन फाइंड करना है, तो बी एन हमारे पास क्या होगा, तो वो जाहिर सी बात है पाया हुआ एन ही होगा, ठीक हो गया। बी एन हमारे पास आ गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इक्वल लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन हमारे पास है साइन पाई ओवर एन, ओवर बी एन क्या है पाई ओवर एन। सेम इसी तरह का सवाल भी हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, सेम उसी तरह ही हमने इसे सॉल्व करना पुट करके। पुट उसमें होता है हमारे पास अगर साइन के लिए जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में हो तो हम उसे इक्वल डायरेक्ट इक्वल वन लिख देते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लिमिट जो है उसकी अप्रोच करनी चाहिए ज़ीरो को, लेकिन ये ज़ीरो को अप्रोच नहीं करी, इसके लिए हम पुट करेंगे कि पाई ओवर एन जो है उसे टी किसी और कोई और ले लेंगे हम, टी जिसके इक्वल से हमने कह दिया टी इक्वल है पाई ओवर एन के, और लिमिट इसकी क्या है एन अप्रोच करिए इन्फिनिटी को। अगर हम इसमें पुट करें पाई ओवर इन्फिनिटी इक्वल टी तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो टी क्या आ गया ज़ीरो, तो इसका मतलब फिर क्या होगा टी अप्रोच किसको करेगा ज़ीरो को, ठीक हो गया। तो अब हम इसमें करते हैं वन में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू सॉरी टी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो गया, साइन पाई ओवर एन को टी इक्वल लिया था टी ओवर टी, अब देखिए टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, यह साइन का एंगल टी है और डिनोमिनेटर में भी टी है, तो इसे हम डायरेक्ट किसकी इक्वल लिख देंगे वन की इक्वल, ठीक हो गया। वन की ये हमारे पास आ गया वन की इक्वल जो जीरो की इक्वल नहीं है, तो बोथ सीरीज कन्वर्ज जो डाइवर्ज करेगी आइदर बोथ सीरीज कन्वर्ज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, बी एन जो है इज डाइवर्जेंट, तो ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। बी एन कैसे डाइवर्जेंट है, पावर वन आ रही है, पावर वन आए तो हम वो हमारा डाइवर्जेंट होता है, वन की इक्वल आ जाए पावर तो डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट हो गया, तो ए एन भी डाइवर्जेंट हो गया। अब 20 क्वेश्चन करते हैं, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, मतलब ए एन हमारे पास है वन ओवर ई की पावर एन स्क्वेयर, मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वन ओवर ई की पावर एन स्क्वेयर, ठीक हो गया। इस पे रेशियो टेस्ट भी लग सकता है, रूट टेस्ट भी, कैसे रूट टेस्ट तो इस तरह से लग सकता है इसकी इफ वेरिएबल इज इन होल पावर, वेरिएबल होल पावर में है तो हमारे पास रेशियो टेस्ट लग सकता है, रूट टेस्ट लग सकता है। और यहाँ पर देखें वेरिएबल पावर में और बेस कांस्टेंट हो, वेरिएबल पावर में और बेस कांस्टेंट में तब रेशियो टेस्ट लगता है, आप लोग इसे रेशियो टेस्ट भी कर सकते हैं रूट टेस्ट भी कर सकते हैं, मैं इसे रूट टेस्ट से सॉल्व करती हूँ बाय रूट टेस्ट, ठीक हो गया। तो आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की होल पावर वन ओवर एन, रूट टेस्ट में ऐसे ही लिखते हैं पावर, ठीक हो गया। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर ई की पावर एन स्केयर था तो इसकी होल पावर वन ओवर एन, एक पावर कट गई एन पावर एन रह गई, तो इसे लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर ई की पावर एन, लिमिट अप्लाई करेंगे वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी तो ये आ जाएगा वन ओवर इन्फिनिटी जो इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के, ठीक हो गया। ज़ीरो के इक्वल आ गया मतलब लेस देन वन, लेस देन वन आए तो कन्वर्जेंट, इट्स कन्वर्जेंट, ठीक हो गया। इसे आप लोग रेशियो टेस्ट भी इसे मैं आप लोगों को रेशियो टेस्ट भी करके दिखाती हूँ, उसके लिए हमें ए एन प्लस वन भी चाहिए होता है, तो ये ए एन है, ए एन प्लस वन करेंगे तो यहाँ एन प्लस वन का होल स्केयर हो जाएगा, वन ओवर ई की पावर एन प्लस वन का होल स्केयर बन जाएगा, ठीक हो गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं वन ओवर ई की पावर एन प्लस वन का होल स्केयर, ठीक हो गया। अब हम लिख लिए रेशियो टेस्ट लगाएंगे RATIO रेशियो टेस्ट, वो हमारे पास क्या होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, लिमिट
एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ए एन प्लस वन हमारे पास है वन ओवर ई की पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, डिवाइड में ए एन आएगा, डिवाइड ए एन क्या है हमारे पास, ये चीज़ है, इसोलेट करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन ओवर ई की पावर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन ई की पावर एन स्क्वायर, ठीक हो गया, वन ओवर ई की पावर एन स्क्वायर डॉट ई की पावर टू एन प्लस वन ई की पावर एन स्क्वायर, ये मैंने लैदा कर दिया ताकि इससे कटिंग हो जाए, ठीक हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, वन ओवर इन्फिनिटी क्या आता है ज़ीरो, ठीक हो गया, ग्रेटर देन वन, सो इट्स कन्वर्जेंट, ठीक हो गया, इस तरह से भी कन्वर्जेंट हो रहा है, इस तरह से कन्वर्जेंट हो रहा है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक हो गया। अब आगे 21 से आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।